इस टाइम ड्यूरेशन में आपने देखिए, राघव ने सबके साथ वीडियो कॉल की, सबके साथ इन्होंने फन किया, बाहर घूमने गए, लेकिन धर्मेश के साथ वो हमेशा दूर ही दिखाई दिए। देखिए, जब राघव ज्वाल इंडस्ट्री में नए नए आए थे तो उस वक्त एक ऐसा इंसान था जिसने अपनी लिमिट से ज्यादा बढ़कर राघव ज्वाल की मदद करी थी, वो थे धर्मेश। चाहे अपने शोज में लेकर जाना हो, डांस सिखाने को लेकर बात हो, या फिर हो इंडस्ट्री में लोगों से मिलाने तक की बात, राघव ने बहुत सारे इंटरव्यूज में कहा है कि यार धर्मेश भाई ने बहुत ज्यादा मदद की। टेरेंस के स्टूडियो से जब राघव ज्वाल आए थे तो उसके बाद काफी दिनों गीता माँ के पास रुके थे, और उसके बाद जो उनका परमानेंट ठिकाना बना वो था धर्मेश का घर। और देखिये, कमाल की बात यह है, एक राघव ने YouTube चैनल पर बहुत सारी वीडियोस डालना स्टार्ट की थी राघव के रैप्टे के नाम से, जहां पर राघव और धर्मेश छोटे-छोटे एक्ट्स करते थे। उसके लिए जहां राघव और धर्मेश छोटे-छोटे एक्ट्स किया करते थे, और मैं आपको बता दूं, धर्मेश ने कभी उस चीज का ना पैसा लिया और ना ही कभी किसी वक्त ऐसा कहा कि यार नहीं आज मैं बिजी हूं। राघव ने बहुत बार बताया इस बात को कि यार धर्मेश भाई हमेशा सपोर्ट रहे हैं, लेकिन अब राघव जुयाल धर्मेश की जिंदगी से पूरे तरीके से गायब है। राघव आराम से फिल्में कर रहे हैं और धर्मेश रिसेंटली गोवा थे, अभी वो चेन्नई निकल गए हैं। उसकी मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ मैंने बताया था कि प्रभुदेवा के साथ उनकी मूवी या कोई सॉन्ग आने वाला है, जिसकी मैंने कंप्लीट डिटेल आपको एक दूसरी वीडियो में बनाकर दिखा रखी है, आप वो वीडियो भी इसके बाद देख सकते हैं। यहाँ बात हो रही है धर्मेश और राघव के रिलेशन के बारे में। देखिए, पिछले करीब करीब एक या डेढ़ साल से इन दोनों की कोई ऐसी फोटो बाहर नहीं आई है जहाँ ये दोनों साथ हैंग आउट कर रहे हो या साथ कहीं घूमने गए हों, एक दूसरे से मिले हों, एक दूसरे से बात की हो। इस टाइम ड्यूरेशन में आपने देखिए, राघव ने सबके साथ वीडियो कॉल की, सबके साथ इन्होंने फन किया, बाहर घूमने गए, लेकिन धर्मेश के साथ वो हमेशा दूर ही दिखाई दिए। अब यार ये नहीं पता कि इन दोनों के पर्सनल रिलेशन किस तरीके से चल रहे हैं, बट इस बात की गारंटी है विद इन अ वीक आपको इस पर कंप्लीट डिटेल्स बता दूंगा इन दोनों के बीच आखिर खिचड़ी क्या पक रही है। लेकिन इस वक्त धर्मेश के प्रोस्पेक्टिव से यही कहा जा सकता है कि जहां दोस्त की सबसे ज्यादा जरूरत थी राघव जुयाल, वहां से थोड़ा थोड़ा कटे कटे दिखाई पड़े। अब भाई ये तो पता चलेगा जब भी धर्मेश आएंगे कैमरे के सामने, अभी कैमरे से बहुत ज्यादा दूर दिखाई दे रहे हैं। जब भी किसी प्रमोशन में आते हैं, कोई इंटरव्यू में आते हैं, डेफिनेटली खबर आप तक पहुंचाई जाएगी कि भाई इन दोनों के आपसी रिश्ते आखिर कितने बचे हुए हैं, या फिर दोनों दोस्तों ने ले ली है अपनी अपनी लगाम अपने अपने हाथों में। राघव अपना काम निपटा रहे हैं तो धर्मेश अपना, अभी तो इस वक्त उनके पास करंट कोई काम नहीं है, बट जैसे कोई काम आता है, कोई अपडेट आती है, कोई टीवी इंटरव्यू आता है, आपको बताने की सबसे पहले गारंटी मेरी। ये वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब अगर आप चैनल पर नए हैं तो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नई खबरों के साथ, तब तक आप सभी को अलविदा।